चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे स्ट्रेंथ और मटेरियल से रिलेटेड। कौन कौन से टॉपिक हैं? सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, टेंसाइल टेस्टिंग और स्ट्रेन एनर्जी। ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं तीनों टॉपिक इस पूरे मंथ में। तो इन तीनों से रिलेटेड आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हेन टेंसाइल स्ट्रेस इज अप्लाइड एक्सियली ऑन अ सर्कुलर रॉड, इट्स डायमीटर डिक्रीज, लेंथ इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज। इनमें से बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही है, कौन कौन से गलत है। तो जिसको भी आंसर पता है वो चैट विंडो में अपना आंसर लिखे, मैं चैट विंडो पे नजर रहेगी मेरी, डोंट वरी। ओके, मिक्स्ड रिस्पॉन्स आए हैं चैट विंडो में। कोई कह रहा है ए होगा, कोई कह रहा है बी, कोई कह रहा है सी। तो ज्यादातर लोगों ने सी बोला है। जब भी हम किसी भी मेटेरियल के ऊपर, मान लेते हैं हमारे पास कोई सर्कुलर रॉड है, अगर हम टेंसाइल लोड लगाएंगे तो उसकी वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन उसकी थोड़ी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। अब लेंथ बढ़ जाती है हमें पता है, और एरिया भी कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? पॉइजन इफेक्ट। एरिया का कम होना पॉइजन इफेक्ट दिखाता है, क्योंकि पॉइजन रेशियो है कुछ ना कुछ मटेरियल की पॉजिटिव, इसलिए इसका एरिया कम हो जाता है। तो लेंथ बढ़ जाती है, एरिया कम हो जाता है तो डायमीटर भी कम हो जाता है। तो पहला और दूसरा तो पक्का है। तीसरा, वॉल्यूम डिक्रीजेस, ये एकदम गलत है, क्योंकि मास का कंजर्वेशन फॉलो होता है हर जगह, मास कंजर्वेशन। और मास का कंजर्वेशन मतलब वॉल्यूम का भी कंजर्वेशन हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है मटेरियल की, है ना। और हमें पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अगर मास कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगी रहेगी। तो इसलिए इसका सी नहीं हो सकता, मतलब इसका थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता, सिर्फ ए और बी हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर, कंप्लीट आंसर सी हो जाएगा। ओके, सभी को क्लियर है? ओके, राजीव आपने हैंड रेस किया है, अपना डाउट पूछिए। सर इससे पहले और कुछ बताए थे सर, क्योंकि सर मेरा नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गया। तो आपको इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के आंसर में कोई आपको डाउट है? नो सर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रेन। सभी अपना आंसर चैट विंडो में लिखें। इनमें से कौन सी बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रेन नहीं है? दो लोगों ने, तीन लोगों ने आंसर दिया है। सभी लोग सोचिए और सभी के सभी आंसर करने की कोशिश कीजिए। अभी भी आठ लोगों ने आंसर नहीं दिया है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक आंसर नहीं दिया है, वो जरूर सोचिए और जरूर इसका आंसर दीजिए, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं। वेरी गुड, सभी ने आंसर दिया है और सभी का आंसर सही है, सी। हमने पढ़ा है तीन तरीके की स्ट्रेन थी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन आ जाता है ना। तो उस एक ये टाइप हो गया, शियर स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो एरिया स्ट्रेन ही बेसिक टाइप नहीं है स्ट्रेन का, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप कॉपी पेन उठा लीजिए अपने, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपसे पूछा है ये बल्क मॉडुलस निकालना है मटेरियल का। अगर हमें एक क्यूब दे रखा है जिसकी साइड है 100 मिलीमीटर, और उस मटेरियल की वॉल्यूम कितने से चेंज होती है, वॉल्यूम का चेंज भी दे रखा है 4000 मिलीमीटर क्यूब। ये मिलीमीटर क्यूब है, मिलीमीटर की पावर 3 है। When subjected to the compressive force, और compressive force लगा रहे हैं 2.5 × 10⁶ N, तो हमें लोड दे रखा है, डेल्टा भी दे रखा है और क्यूब की साइड दे रखी है, तो हमें बल्क मॉडुलस निकालना है। कैलकुलेट बल्क मॉडुलस। तो आप सभी के पास टाइम है 2 मिनट का, सॉल्व कीजिए। We'll be right back.
कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल भी क्वेश्चन समझ नहीं आया? स्टार्ट सभी ने कर दिया। अभिजीत आपको समझ में आया क्वेश्चन कि स्टार्ट कैसे करेंगे इसको? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम भी कराएंगे। समझ में नहीं आया, डोंट वरी। ठीक है, अगर समझ नहीं आएगा तो आप बोलिए, ठीक है। हमारी कोशिश यही रहती है क्लास में कि जो स्टूडेंट है वो अपने डाउट पूछे, ऐसे चुप ना रहे, है ना। ऐसे जब चुप रहोगे तो आप ही का नुकसान है ना। जब आप डाउट पूछोगे तो आपके सारे डाउट यहाँ क्लास में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको क्लियर नहीं है, तो चलिए अब स्टार्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो बल्क मॉडुलस पूछा है यहाँ पे। इस वर्ड से आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। क्योंकि बल्क मॉडुलस वॉल्यूमेट्रिक में आता है। उसके बाद हमें पता है कि बल्क मॉडुलस में फॉर्मूला क्या लगेगा, स्ट्रेसेस डायरेक्ट, जो हुक्स लॉ कहता है, ठीक है। जो हुक्स लॉ होता है वॉल्यूमेट्रिक के लिए वो क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जिनका भी आंसर निकल गया है वो अभी शांत रहेंगे और अच्छे से सुनेंगे इसकी जो भी इसका बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक हमें पता चल गया, वॉल्यूमेट्रिक लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि बल्क मॉडुलस दिया हुआ है। अब वॉल्यूमेट्रिक में हुक्स लॉ लगा दो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जब इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो बल्क मॉडुलस आ जाता है। तो सिग्मा वी इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन वी। अब जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, तो उसको डेल्टा वी अपॉन वी लिख लिया। जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है जो कि इस मटेरियल पे लग रही है ना, तो वो क्या होगा, जो जितनी फोर्स लग रही है और जितना एरिया है क्यूब का, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, जितना प्रेशर लग रहा है क्यूब पे, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। तो हमें क्या निकालना है, बल्क मॉडुलस निकालना है। तो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में एरिया मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम अपॉन में डेल्टा वी। अब देखो, हमें सब कुछ, हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है, हमें फोर्स भी दी हुई है, एरिया भी दिया हुआ है, वॉल्यूम भी निकाल लेंगे क्योंकि क्यूब है। देखो, एरिया नहीं दिया हुआ लेकिन एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि क्यूब है। क्यूब का एरिया, क्यूब का एक साइड क्या होती है, स्क्वायर का एरिया, आप आराम से निकाल सकते हैं। यस सर। और अब डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम आपको दिया ही हुआ था 4000 मिलीमीटर क्यूब, है ना। तो यहां से आप आराम से बल्क मॉडुलस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी कैलकुलेट कीजिए क्या आंसर आएगा। अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने आंसर दिया है। आई थिंक आप सभी को बेसिक किसका कंसेप्ट। मेरा प्रॉब्लम यही था सर। हाँ बोलिए सर। मैंने जब बल्क मॉडुलस जो निकालने के लिए बोला था वहां पे मुझे याद आया कि वी बाय डेल वी हो, मतलब वो बल्क मॉडुलस का रिलेशनशिप दिमाग में आया। प्रीशा ये हुक्स लॉ का मतलब वो काम नहीं आया दिमाग में सर, इससे मैं सोच रहा हूँ यहाँ वो एरिया और एरिया नहीं सर फोर्स और वो, हाँ यहाँ कहाँ बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मूला है। आपके आपके ज्यादातर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चंस सिर्फ इस हुक्स लॉ के बेस पे ही बन जाते हैं। अगर आपको चेंज इन लेंथ निकालनी हो, है ना, शियर स्ट्रेन निकालनी हो, वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ भी निकालना हो, तो हुक्स लॉ आप आराम से लगा सकते हो। ऐसा देखा गया कि ज्यादातर क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सिर्फ हुक्स लॉ से ही आप लगा सकते हैं, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के टॉपिक के। तो सबसे पहले आप जब भी आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन आए और सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का क्वेश्चन लगे तो हुक्स लॉ से ही शुरू कीजिए, उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। जी सर। ओके, चलिए इसका आंसर निकाल दीजिए, 62.5 गीगापास्कल आ जाएगा। वेरी गुड। सभी को समझ में आ गया इसका पीछे का कंसेप्ट? कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं हुआ है अभी तक? तो इसका जो वॉल्यूम होता है LB plus BS plus HL होता है ना? वॉल्यूम
नहीं, वो सरफेस एरिया होता है, उसके साथ टू भी होता है, लेकिन क्यूब का वॉल्यूम एल इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तीनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। सरफेस एरिया अगर निकालोगे तो ट्वाइस हो जाएगा 100 × 100 × 100। हाँ वॉल्यूम वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, और सरफेस एरिया अगर निकाल रहे हो तब 2 × LB + BH + HL। ठीक है, सभी का निकल गया? यस सर। कोई ऐसा है जिसको कंसेप्ट समझ नहीं आया हो? ओके, वेरी गुड। चलिए सर, यहाँ पे चेंजेस वॉल्यूम बाय 4000 मीटर एमएम क्यूब लिखा है सर, वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पे देखिए, अब क्योंकि क्यूब की साइड दे रखी है हमको, है ना, क्यूब की एक साइड दे रखी है, और क्यूब की सारी साइड बराबर होती है, तो वॉल्यूम तो क्यूब का इसी से निकल जाएगा, है ना। फॉर्मूला क्या आया बल्क मॉडुलस का? हाँ, करना तो वॉल्यूम आप इससे निकाल लोगे, इन वॉल्यूम आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, ऐसे वॉल्यूम निकालेंगे, फोर्स दिया हुआ है, एरिया आप इसी से निकाल लोगे साइड से, है ना। हाँ हाँ सर, ठीक है, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे एक ट्रिकी चीज है, कई लोग जल्दी जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज इट्स वॉल्यूम बाय बोल रखा है ना, ये इसका बड़ा बहुत बड़ा मतलब है। बाय का मतलब है कि हमें डायरेक्टली डेल्टा वी दे रखा है, डेल्टा वी 4000 मिलीमीटर क्यूब दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम बाय बोल रखा है, लेकिन क्वेश्चन बदल देता, यहाँ पे बाय की जगह 2 लगा देता अगर, चेंज इट्स वॉल्यूम 2, तो ये फाइनल वॉल्यूम हो जाती। ठीक है, इंग्लिश का मीनिंग है, अगर बाय बोल रहा है मतलब ये डेल्टा वी दे रखा है, और अगर यहाँ पे 2 बोल देता बस, तो इसका मीनिंग तो बिल्कुल क्वेश्चन ही पूरा चेंज हो जाता, तो मतलब ये V2 दे रखा होता उस टाइम पे, फाइनल वॉल्यूम दे रखी होती। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। चलिए अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब आपको टोटल स्ट्रेन एनर्जी भी निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो स्ट्रेन एनर्जी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, स्ट्रेन एनर्जी का कैलकुलेशन का फॉर्मूला, तो उसी से आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेन एनर्जी याद है किसी को? स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 × stress × strain × volume। यस, ये तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मल्टीप्लाई बाय और टोटल वॉल्यूम भी कर देते हैं तो स्ट्रेन एनर्जी आ जाता है। वेरी गुड, तो यहाँ पे स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस भी हो सकती है, शियर स्ट्रेस भी हो सकती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी हमारा क्या चल रहा है? वॉल्यूम में काम चल रहा है सारा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में चल रहा है। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/2 × volumetric stress × volumetric strain × total volume जो है, इनिशियल वॉल्यूम जो थी उसकी। तो अब हमें स्ट्रेस पता है, बिल्कुल पता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना, फोर्स दे रखा है, एरिया हमने निकाल लेंगे। क्या हमें स्ट्रेन पता है? हमें स्ट्रेन भी पता है, डेल्टा वी बाय वी होता है ना, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इंटू टोटल वॉल्यूम। इस वॉल्यूम से वॉल्यूम कट ही जाएगा एक्चुअली, है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2 × force upon area × delta V। तो हमारे पास सारी चीजें हैं, फोर्स भी है, एरिया भी है, चेंज इन वॉल्यूम भी है, तो हमारी स्ट्रेन एनर्जी आ सकती है। निकाल लीजिए, इसका आंसर आप चैट विंडो में लिख दीजिए, सभी लोग चैट विंडो में इसका अपना आंसर लिख दीजिए जो भी आया। सर, जो सी स्ट्रेन एनर्जी होगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2K होनी चाहिए ना सर? हाँ, यही आएगा। देखिए इससे भी आपका आंसर वही आएगा अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी का हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट टाइम, है ना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ई, है ना, एक्सियल, अगर हम एक्सियल की टर्म में बात कर रहे हैं तो, है ना, लेकिन अगर हम वॉल्यूमेट्रिक की टर्म में बात करेंगे तो सिग्मा वी का स्क्वायर हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 2K। ये भी पर यूनिट वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप चाहे इससे आंसर निकालो, चाहे आप इससे आंसर निकालो, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो सभी लोग अपना आंसर निकालिए और चैट विंडो में लिखिए।
यहाँ पे जो आपने स्ट्रेन एनर्जी का जो फॉर्मूला बोला वहाँ पे स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन था, सर यहाँ पे क्वेश्चन में जो बल्क मॉडुलस था तो इसलिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस चेंज आ गया क्या सर? अब क्योंकि हाँ, क्योंकि बल्क मॉडुलस है ना, वॉल्यूम की टर्म में बात हो रही है हर जगह, इसलिए हमने वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लिया और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिया। अगर यहाँ पे उसने शियर स्ट्रेस की बात की होती, शियर मॉडुलस की बात की होती, तब हम यहाँ पे शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन वाला फॉर्मूला लगाते, ठीक है? 5 × 10^5, 5 × 10^11, देखे कुछ लोगों के आंसर डिफर किए हैं, चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। नहीं सर, 11 हमने हमने मैसेज किया था, वो गलत है, वो ओके लास्ट में वो कर दिए। ओके ठीक है अंकित, बिल्कुल यूनिट का ध्यान रखना होता है हमेशा। चलिए चलिए इसका आंसर निकाल लेते हैं। 1/2 फोर्स की वैल्यू रख दो, न्यूटन में दे रखी है, 10^6 अपॉन में एरिया, एरिया को 100 × 100 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम, हमें डायरेक्टली दिया ही हुआ है 4000 mm³ में दिया हुआ, और नीचे मिलीमीटर स्क्वायर है ना, और फोर्स न्यूटन में है, लेकिन हमें आंसर तो जूल में निकालना है, तो ऊपर एक मिलीमीटर एक्स्ट्रा है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 1000 से डिवाइड कर देंगे। चलिए सर, जो क्यूब का एरिया होगा सर, क्या स्क्वायर के एरिया के बराबर होता है? अब देखिए, जब जब मैं बोल रहा हूँ एरिया यहाँ पे, तो उसका मतलब क्या है, एक हमारे पास क्यूब है, उस पर फोर्स लगाई गई है, चलिए कंप्रेसिव फोर्स लगाई गई है, उसको दबाने की कोशिश की गई है, ठीक है, इस तरीके से हर जगह से, ऊपर से भी नीचे से भी हर जगह से फोर्स लगाई गई है, ठीक है, तो कौन से एरिया पे फोर्स लग रही होगी, उसके उसके एक ये वाले एरिया पे फोर्स लग रही होगी, है ना, तो ये क्यूब का ये वाला एरिया कितना होता है, एक स्क्वायर होता है ना, और स्क्वायर का एरिया हम साइड स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, है ना, साइड हमें दे रखी है 100 mm, ठीक है, तो इसलिए हमने ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया है, ठीक है, तो 1000 से 1000 कैंसिल, ये भी कैंसिल 2 पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 × 10^2 500 आ जाएगा आंसर, है ना, 500 जूल आंसर आ जाएगा। यस सर। नहीं सर, 4000 के नीचे में सर 1000 कैसे लिखें सर, मतलब यूनिट चेंज करने के लिए क्या सर? हाँ, यूनिट में चेंज करने के लिए, क्योंकि देखिए फोर्स न्यूटन में थी, ये मिलीमीटर क्यूब में थी, और ये एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में था, है ना, तो मिलीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर क्यूब कट गया, तो 1 mm बच गया, अब उस मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए 1000 से डिवाइड कर दिया, ताकि मेरा न्यूटन मीटर में आ जाए, और न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, ठीक है? तो जो आपका 5 × 10^5 आया ना, वो सही है, लेकिन वो उसकी यूनिट न्यूटन मिलीमीटर है, उसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करके जूल में निकालना था आपको आंसर, ठीक है? चलिए, स्ट्रेन एनर्जी क्लियर है सभी को? यस सर। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको डाउट हो इसके अंदर? नो सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और चलिए बल्क मॉडुलस एक बार इसका मैं न्यूमेरिकली भी निकाल के दिखा देता हूं आपको, वैसे बहुत आसान है। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हमने बना लेते, फोर्स अपॉन एरिया इंटू वी अपॉन में डेल्टा वी, यही निकाला था हुक्स लॉ लगा के, वैल्यू रख दो बस, 2 × 10^6 अपॉन एरिया, एरिया कितना आएगा 100 × 100, क्योंकि स्क्वायर बनेगा, है ना, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, 100 × 100 × 100, है ना, और डेल्टा भी हमें डायरेक्टली दे रखा है 4000। हाँ बस अब आपको कैलकुलेट करना है, एक्चुअली फोर्स 2.5 है ना, ठीक है, तो इससे यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गई, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? एक्चुअली अभी हमें यूनिट का ध्यान 8500 आया था, यूनिट का ध्यान रखना है हमको, ये बनेगा न्यूटन अपॉन में, अब वॉल्यूम से वॉल्यूम मिलीमीटर स्क्वायर में बनेगा आंसर, ठीक है, जो भी हमारा आंसर आएगा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में बनेगा, लेकिन हमें गीगा पास्कल में निकालना है, और हमें पता है 1 GPa 1000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है 1 GPa, ठीक है,
तो हम यहाँ पे 2.5 इंटू सही है सर अपॉन में 40 कर देते हैं और मल्टीप्लाई पे हमें 1000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, और ये जो 1000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है ये हमारा गीगापास्कल बन जाएगा, और जो आंसर आएगा वो यहीं से आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 25 इंटू 1000 डिवाइड बाई 400, यहाँ से कैंसिल हो गया। अब आई थिंक आपका 250 अपॉन में 4 है ना, 62.5 ही होगा आएगा, राइट 62.5 गीगा पास्कल। क्लियर है सभी को? ऊपर वॉल्यूम का यूनिट क्यों नहीं आया, सिर्फ न्यूटन ही लिखा है सर। वॉल्यूम का यूनिट देखिए नहीं है, मतलब वो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। हाँ, एक बार यहाँ पे देखिए ध्यान से, फोर्स का यूनिट क्या था? न्यूटन। एरिया का था मिलीमीटर, और यहाँ पे वॉल्यूम का मिलीमीटर क्यूब का, चेंज इन वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? वो भी मिलीमीटर क्यूब ही होता है, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम ही ना, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा, इसलिए सिर्फ इतना ही बचेगा। ठीक है जी सर। आप एकदम सही करते हैं कि यूनिट पे ध्यान देते हैं। ठीक है, हमेशा यूनिट पे जरूर ध्यान देना जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, क्योंकि आपका आंसर आ जाता है लेकिन पेपर में कभी कभी ना यूनिट में दिया हुआ होता है कुछ। ठीक है, अगर पेपर में मान लो ऑप्शन बी चेंज करके आपको 62.5 मेगा पास्कल दे देता, तो कुछ बच्चे तो यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि गीगा पास्कल में आंसर दें कि मेगा पास्कल में आंसर दें, है ना, वैल्यू तो सेम ही आएगी 62.5। तो इसलिए यूनिट का हम शुरुआत से ध्यान देके चलेंगे तो आंसर आपका एकदम सही आएगा। तो इसका आंसर सही था ए, 62.5 गीगा पास्कल और टोटल स्ट्रेन एनर्जी 500 जूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इसको पढ़िए और सोचिए कि क्या हो सकता है। एक रेक्टेंगुलर बार दे रखी है, उसकी वॉल्यूम दे रखी है, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, और हमें स्ट्रेस दे रखी है तीनों डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस दे रखी है, 100 मेगा पास्कल, 150 और 160। आपको बल्क मॉडुलस भी दिया हुआ है, के की वैल्यू दी हुई है 2 into 10 to the power 5 आपको टोटल वॉल्यूम दी हुई है, आपको बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, और आपको पॉइजन रेशियो भी दी हुई है। तो ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई है, आपको क्या निकालना है? डेल्टा भी निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं करना। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का ही है ना, क्योंकि यहाँ पे भी वॉल्यूम की बात की गई है, बल्क मॉडुलस भी दे रखा है ना। तो सबसे पहले बच्चे के दिमाग में क्या आएगा कि भाई हुक्स लॉ लगा देते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और इसका साइन हटाएंगे मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा बल्क मॉडुलस, और हमें क्या निकालना है? चेंज इन वॉल्यूम निकालनी है। तो सिग्मा वी इज इक्वल टू के इनटू डेल्टा वी बाय वी कर देंगे, और चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाना चाहिए? सिग्मा वी मल्टीप्लाई बाय वी अपॉन में के। ठीक है, तो ये आंसर आ जाए, इससे आंसर आ सकता है, ये चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास बन गया और हमें यही निकालना है ना। लेकिन ये सही सोचना होगा अगर तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस सेम है तो ये बात आप याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला कब लगता है चेंज इन वॉल्यूम का, जब तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस की वैल्यू सेम हो। लेकिन यहाँ पे तीनों डायरेक्शन में अलग अलग दे रखी है, 100, 150 और 160। जब तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस सेम होती है तब लगता है फॉर्मूला, ये है ना। यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं इसलिए ये तो नहीं लगाएंगे, अब कुछ और लगाएंगे। अब वो क्या लगाएंगे चलिए वो देखते हैं। अब देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में थ्री डायमेंशन वाला हुक्स लॉ पढ़ाया था, हुक्स लॉ इन थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन के अंदर हुक्स लॉ क्या होता है? सो उसमें देखा था कि जो एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड की क्या क्या वैल्यू होती हैं, ये हमने देखा था। क्या निकाला था? सिग्मा एक्स अपॉन ई एप्सिलॉन एक्स के लिए माइनस पॉइजन रेशियो अपॉन ई ब्रैकेट सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड।
कुछ इस टाइप से निकाला। सिमिलरली अगर दूसरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस न्यू अपॉन ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड, और अगला क्या हो जाएगा, सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस न्यू बाई ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। तो ये हमने हुक्स लॉ पढ़ा था थ्री डायमेंशन वाला, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई और जेड में अलग अलग स्ट्रेस दे रखे हैं, इसलिए हमें ये थ्री डायमेंशन वाला हुक्स लॉ लगाना पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सिग्मा एक्स सॉरी एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड जो हैं, ये तीनों लीनियर स्ट्रेन है, लीनियर स्ट्रेन, ये भी लीनियर स्ट्रेन है, ये भी लीनियर स्ट्रेन है, और ये भी लीनियर स्ट्रेन है। ये एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है, ये जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो चेंज इन वॉल्यूम निकालना है ना। इसका मतलब हमें किसी तरीके से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालनी है। हमें हम क्या निकाल सकते हैं, हम लीनियर स्ट्रेन निकाल सकते हैं, लेकिन हमें निकालना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। तो हमें एक रिलेशन चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन में एक रिलेशन चाहिए। पॉइजन रेशियो तो दी हुई है, ये पॉइजन रेशियो ही है, ठीक है। रिलेशन यही होगा ना सर, लेटरल और लीनियर से। हाँ हाँ, लेकिन लेटरल नहीं निकालना हमको, हमको वॉल्यूमेट्रिक निकालना है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन में हमें रिलेशन चाहिए, है ना। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन में क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं। हमें पता है कि वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है किसी भी क्यूब के लिए, क्यूबॉइड के लिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। तो हम एक्स वाई जेड लिख लेते हैं, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लॉग ले लो, टेक लॉग बोथ साइड, बोथ साइड लॉग ले लो, क्या हो जाएगा। ये लॉग क्यों ले रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा आपको। लॉग वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड, ठीक है। क्योंकि लॉग एक्स वाई जेड हो जाता, लॉग एक्स वाई जेड को हम लिख सकते हैं ना, ये log x प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड। इसके बाद इसे डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x y z के रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो log log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, 1 बाय x, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 अपॉन x। तो अगर v का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dv / dx इज इक्वल टू log x, वन अपॉन x dx by dx प्लस वन अपॉन y dx प्लस वन अपॉन z dz by dx। अब dx से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, क्या बन जाएगा, dv by v इज इक्वल टू dx by x प्लस dy by y प्लस का dz by z, ये बन गया। यहाँ तक क्लियर है, हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया सर ना। हाँ, अब आप यहाँ पे बड़े आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, dv by v क्या है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम है, क्योंकि d का मतलब क्या होता है, चेंज होता है ना, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो एक तरह से हमारे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ही बन गया लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बना, लीनियर स्ट्रेन ही बने हैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। एक एक्स डायरेक्शन का है, एक वाई डायरेक्शन का है, एक जेड डायरेक्शन का है। तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। तो ये रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डायरेक्ट ये रिलेशन आप याद रख सकते हैं कि भाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक एंड लीनियर स्ट्रेन्स, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द सम ऑफ ऑल द थ्री लीनियर स्ट्रेन। क्लियर है सभी को यहां तक। अब हमें पता चल गया क्या रिलेशन है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन में, और इन तीनों की वैल्यू भी पता है हमको थ्री डायमेंशन हुक्स लॉ से। तो थ्री डायमेंशन हुक्स लॉ से यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, आंसर आंसर आ जाएगा। चलिए काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गई एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। हाँ राजीव, पूछे अपना डाउट।
सर जैसे बताया सर मतलब ये जो है एक्स वाई जब सर जो जो है मतलब जो लग रहा है सर स्ट्रेन लोड जो लग रहा है एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन तीनों सर वेरी कर रहा है मतलब तीनों में अलग डिफरेंट डिफरेंट है वही सर सेम रहता है सर तो सर जो ऐसा रिलेशन जो अभी सर एस्टेब्लिश्ड किया तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देते सिंपल वन डायमेंशन वाला स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन वो हटाते बल्क मॉडुलस आ जाता तब आप डायरेक्ट इसी से काम कर लेते अगर तीनों डायरेक्शन में सेम होता तो अलग अलग है इसलिए हमें थ्री डायमेंशन वाला लगाना पड़ रहा है ठीक है क्लियर हो गया राजीव yes. चलिए अब ये जो वैल्यूज थी थ्री डायमेंशन ऑक्स लॉ वाली ये हम अपने सेम होता तो किसी एक की वैल्यू लेते ना सर हाँ हाँ सेम मतलब कोई भी ले लो एक ही बात है ना हाँ बिल्कुल सही जवाब तो अब ये जो वैल्यूज हैं ये डाल देते हैं अपने इस रिलेशन में जो हमारे पास रिलेशन आया x x सिग्मा एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z में हाँ पूछिए बोलिए कोई पूछ रहा था डाउट अपना चलिए कोई नहीं एप्सिलॉन v क्या आ जाएगा सिग्मा x अपॉन e माइनस पॉइजन रेशो अपॉन e इंटू सिग्मा y प्लस सिग्मा z प्लस सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस पॉइजन रेशियो अपॉन ई टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस पॉइजन रेशियो अपॉन ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई क्या करेंगे इन तीनों को एक साथ लिख लो सिग्मा एक्स अपॉन वन अपॉन ई कॉमन ले लो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बन जाएगा माइनस बाकी सभी में से न्यू अपॉन ई कॉमन ले लो अंदर क्या बच जाएगा सिग्मा वाई भी दो बार है सिग्मा एक्स भी दो बार है सिग्मा जेड भी दो बार है टू सिग्मा एक्स टू सिग्मा वाई प्लस का टू सिग्मा जेड आ जाएगा यहां से टू कॉमन ले लो और पूरे में से वन अपॉन ई कॉमन ले लो चलिए पहले टू कॉमन ले लो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड माइनस टू न्यू अपॉन ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अब यहां से सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड भी कॉमन आ जाएगा अल्टीमेटली क्या रिलेशन आ गया एप्सिलॉन वी का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का क्या रिलेशन आ गया सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई वन माइनस टू न्यू ठीक है ये रिलेशन आ गया हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड दिया हुआ है पॉइजन रेशो दी हुई है यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है बल्क मॉडुलस दिया हुआ है एक्चुअली बल्क मॉडुलस दिया हुआ है तो वो भी निकाल सकते हैं आप राइट चलिए इसको आप यंग्स मॉडुलस मान लीजिए चलिए दोनों मान के करेंगे ठीक है एक काम करते हैं इसको पहले आप यंग्स मॉडुलस मान लीजिए ठीक है कि हमें यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है अगर हमें बल्क मॉडुलस दिया होगा तो कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे लेकिन पहले इसको यंग्स मॉडुलस मान के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हमें ई की वैल्यू दी हुई है ठीक है तो ये रिलेशन में रखिए और आपका आंसर आ जाएगा चलिए कैलकुलेट कीजिए एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई इंटू वन माइनस टू न्यू सब कुछ है आपके पास बस आपको वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है और ये एक्चुअली डेल्टा वी अपॉन वी है एप्सिलॉन वी है ना तो आपको डेल्टा वी निकालना है तो आपको वॉल्यूम भी दी हुई है यहाँ पे सर क्या सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कैसे आएगी हाँ ठीक है पहले आप स्ट्रेन निकालिए पहले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कैलकुलेट कीजिए उसके बाद देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आंसर आ गया 1230 ठीक है तो एक्चुअली आपको यंग्स मॉडुलस ही दिया हुआ था ठीक है ये लेकिन अगर यहाँ पे बल्क मॉडुलस दिया हुआ होता क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता कि अगर यहाँ पे बल्क मॉडुलस होता तो कैसे करते तो भी आसान ही था एक्चुअली तो आप क्या करते आप फॉर्मूला लगा देते इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस में रिलेशन होता है इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 न्यू राइट तो यहां से आप अगर आपको ई पता है तो बल्क मॉडुलस निकाल सकते हैं राइट तो ई की वैल्यू डायरेक्टली यहीं पे रख दीजिए फॉर्मूले में तो क्या हो जाएगा 3k 1 माइनस 2 न्यू 1 माइनस 2 न्यू से 1 माइनस 2 न्यू कट जाएगा है ना तो आपका फॉर्मूला बहुत ही आसान हो जाएगा तीनों स्ट्रेस का सम करके 3k से डिवाइड कर देते फिर आपका आंसर आ जाता है।
एक बार इससे कैलकुलेट कीजिए क्या आंसर आ रहा है अगर आप इसको बल्क मॉडुलस मान के कर रहे हैं तो 10^5 है। अगर यंग्स मॉडुलस मान के किया तो 1230 आया है, बल्क मॉडुलस मान के करेंगे तो क्या आएगा? अगर इसको बल्क मॉडुलस मान के करते तो हो जाता 100 + 150 + 160 अपॉन में 3 × 2 × 10^5 है ना, तब आपका आंसर आता अगर डेल्टा वी डायरेक्टली बोले तब आपका आंसर 1025 मिलीमीटर क्यूब आता, ठीक है, अगर आप बल्क मॉडुलस मान के करते के को, यंग्स मॉडुलस मान के किया है तो 1230 आया। सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अभी चलिए अब देखते हैं कि इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगी। तो इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है वो देखिए आपको यहीं से पता चल जाएगा, आपका जो ये रिलेशन आया है हमारे पास है ना, इस रिलेशन को ध्यान से देखिए आप, एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन में 3 को एक साइड लिख लो, डिवाइडेड बाय में लिख लो के, ठीक है, तो अब के को दूसरी साइड ले जाओ तो के इंटू एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन 3। और अब इस रिलेशन को आप वन डायमेंशन वाले हुक्स लॉ से रिलेट करो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के बल्क मॉडुलस आ जाता है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या हुई, इसका मीन हुआ, तो अगर इसमें सिग्मा वी निकालना है तो बस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। सर ये लास्ट की 3 लाइनें सर एक बार फिर से डिस्क्राइब कर दें। यस सर। ठीक है, देखिए हमारा जो रिलेशन आया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने का, उसमें क्या था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन में 3 के आ गया था, क्योंकि 1 − 2 ν से 1 − 2 ν कट गया था, इसी रिलेशन को हमने उठा लिया और इस साइड लिख दिया, थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया, जो बल्क मॉडुलस था उसको उसको और नीचे लिख दिया, ठीक है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन में 3 डिवाइडेड बाय में के कर दिया। अब इस के को हम दूसरी साइड लेके चले गए तो के इंटू एप्सिलॉन वी आ गया इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन 3 आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको अगर हम कंपेयर करें इस रिलेशन को जो आया है जो बॉक्स में है हमारे वन डायमेंशन वाले रिलेशन के साथ, तो हो सकता है ना कि ये जो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में क्वांटिटी है ये बल्क मॉडुलस इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, और जो इसके राइट साइड में इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होना पड़ेगा अगर वो कंपेरेबल है तो, है ना, तो इसलिए इन तीनों का मीन ले लो तो हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आ जाती है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का क्या मतलब हो गया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन में 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये अभी जो हमने किया उसी से रिलेटेड है लेकिन अभी आपको करना है, एक रेक्टेंगुलर बार दे रखी है यूनिएक्सियली लोडेड है, हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बतानी है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इनमें से क्या है। अब ये जो यूनिएक्सियली लोडेड होता है इसका मतलब आप में से काफी लोगों को शायद नहीं पता हो, यूनिएक्सियली लोडेड का मतलब एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा रहे हैं, ठीक है, भली वॉल्यूमेट्रिक की बात हो रही है, हमारे जो रेक्टेंगुलर बार है इस पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रेस नहीं लग रहा है, सॉरी सिग्मा एक्स। अब इस अकेले सिग्मा एक्स की वजह से कितनी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगी इस पूरे वॉल्यूम में, इस पूरे क्यूबॉइड में, वो बताना है। एप्सिलॉन वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड करना है आपको, ओके, इसने कर भी लिया, सी निकाला है काफी लोगों ने, वेरी गुड, सी इसका सही आंसर है। कैसे आएगा, बस अब आपको भाई 3 डायमेंशन हुक्स लॉ लगा दो यहाँ पे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3 डायमेंशन हुक्स लॉ लगाएंगे तो इसकी अलग वैल्यू रखेंगे एप्सिलॉन एक्स की, एप्सिलॉन वाई की और एप्सिलॉन जेड की, और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर,
सर यूनि इसमें सर यूनि एक्सियल लोडेड है तो सर हमको इसमें जरूरी है कि सर वाई और जेड डायरेक्शन में भी सर स्ट्रेन निकाले? हाँ, क्योंकि यूनि एक्सियल मतलब उसमें तो लगा ही नहीं है ना, सिग्मा वाई की वैल्यू जीरो है, सिग्मा जेड की वैल्यू जीरो है ना, और तो सर तो सिंपल सर नॉर्मली सर इसका तब वही फॉर्मूला सर आ गया जो सर सिंपल 1D का होता है सर? वो नहीं आया वो, क्योंकि 1D वाला तब लगता है जब तीनों की वैल्यू सेम हो। यहाँ पे तीनों की वैल्यू सेम नहीं है, सिग्मा एक्स की वैल्यू कुछ तो अलग है ना, जीरो से तो अलग है ना, तो इसलिए तीनों की वैल्यू अलग अलग हो गई, इसलिए इसमें थ्री डायमेंशन वाला फॉर्मूला लगाया है। वन डायमेंशन वाला कब लगता है? जब तीनों की वैल्यू सेम हो, अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करते हैं तो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, टेंसाइल लोड लगाया है P इस तरीके से, यंग्स मॉडुलस इसका लेकिन वेरी कर रहा है, यहाँ पे इसका यंग्स मॉडुलस E1 है, यहाँ पे इसका यंग्स मॉडुलस E2 है, और लीनियरली वेरी कर रहा है पूरे के पूरे में, मतलब धीरे 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 बढ़ रहा है यंग्स मॉडुलस, E1 से E2 जा रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, लेकिन चेंज हो रहा है E1 से E2 तक। तो क्या बताना है? नॉर्मल स्ट्रेस बतानी है इस सेक्शन पे, इस बीच में कोई सेक्शन ले लिया, इसका एरिया ए दे रखा है, तो इसमें कितनी स्ट्रेस आएगी? चार ऑप्शन आपके सामने, सोचिए क्या हो सकता है। देखिए इसका सही आंसर जो है वो ए है, सिंपल। स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस क्या होता है? लोड अपॉन एरिया है ना, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पी है और एरिया ए है, ठीक है, तो जो स्ट्रेस आएगी वो सिंपल लोड अपॉन एरिया हो जाएगी। ये जो आपको यंग्स मॉडुलस का वेरिएशन दे रखा है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ठीक है, क्योंकि यंग्स मॉडुलस के वेरिएशन का यूज हम कब करेंगे? जब हमें डेल्टा एल निकालना होगा, अगर चेंज इन लेंथ निकालना होता तब हम इस E1 से E2 तक का यूज करते हैं। स्ट्रेस तो सिंपल है, जितना लोड लगाएंगे और एरिया जितना होगा सेम ही आएगा, क्योंकि अगर आपके पास कोई एल्यूमिनियम की रॉड है और आपके पास एक स्टील की रॉड है, दोनों का सब कुछ सेम है, लेंथ और एरिया दोनों का सेम है, लेंथ और डायमीटर, तो जब आप इन पे पी लोड लगाओगे दोनों पे, टेंसाइल लोड लगाओगे पीपी, भले ही मटेरियल अलग अलग है लेकिन जो इनमें स्ट्रेस आएगी वो सेम ही आती है, लोड अपॉन एरिया करके ही निकालते हैं हमेशा स्ट्रेस, कभी भी कोई मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं आती, यंग्स मॉडुलस नहीं आता है ना, तो दोनों ही चाहे बार एल्यूमिनियम की हो चाहे बार स्टील की हो, दोनों में स्ट्रेस तो सेम ही आएगी, स्ट्रेस तो दोनों में सेम ही अप्लाई करिए लोड अपॉन एरिया, तो मटेरियल प्रॉपर्टी का तो कोई रोल ही नहीं है, इसलिए चाहे मेटेरियल का यंग्स मॉडुलस चेंज भी कर रहा हो डजेंट मैटर, सिंपल लोड अपॉन एरिया लगाते हैं जब भी हमें स्ट्रेस निकालनी होती है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। क्लियर है सभी को? सर इसकी चेंज इन लेंथ कैसे सर फाइंड करते हैं सर? चलिए अच्छा क्वेश्चन कुछ है, इसका चेंज इन लेंथ को कैलकुलेट अब क्योंकि चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करना है, चेंज इन लेंथ में हाँ इस E1 से E2 तक का यूज करेंगे, हमें क्या बोल रहा है, वेरीज लीनियरली वेरी कर रहा है ना, E1 से E2 लीनियर वेरिएशन है, लीनियर वेरिएशन का मतलब क्या होता है, मतलब अगर ग्राफ बनाएंगे यंग्स मॉडुलस और लेंथ के बीच में L1 से लेके L2 तक, 0 से लेके L तक बनाएंगे, तो 0 पे इसका जो यंग्स मॉडुलस है वो E1 है और L लेंथ पे इसका यंग्स मॉडुलस E2 है, तो लीनियर वेरिएशन का मतलब है जो ग्राफ जाएगा एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये होता है लीनियर वेरिएशन का मतलब, ठीक है, तो E1 से E2 जा रहा है हमारा जो यंग्स मॉडुलस है, तो अगर हमें किसी भी बीच के किसी भी सेक्शन पे किसी x डिस्टेंस दूर अगर हमें E निकालना हुआ, किसी x डिस्टेंस दूर, यहां पे अगर मुझे E की वैल्यू निकालनी है, यहां पे मेरा y कितना है, y एक्सिस वाला y जो E है कितना है, कैसे निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन है ना, तो बड़े आराम से निकल जाएगा, E एट x इजिकल टू y इजिकल टू mx प्लस c वाला फॉर्मूला पढ़ा है आपने, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं पहले, है ना, तो इसमें m क्या है, इसका स्लोप होगा, और जो इंटरसेप्ट है c वो क्या होगा, ये इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट ये वाला, यही c है और एक्चुअली ये E1 के बराबर है, तो
जो हमारा वाई है यानी जो हमारा ई है एक्स पे, एक्स लोकेशन पे जो ई है वो क्या आ जाएगा, इंटरसेप्ट पहले सी लिख लेते हैं ई वन प्लस इसका स्लोप। इसका स्लोप कैसे आएगा, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट इसका लेंथ है एल, एल कॉमा ई टू है, और यहाँ पे जो ए कोऑर्डिनेट है उसके क्या है, जीरो कॉमा ई वन। तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई वेरिएशन आ गया, इस लाइन की इक्वेशन आ गई, यही है। किसी भी एक्स डिस्टेंस दूर पे कितना ई है वो हमें पता चल जाएगा इस इक्वेशन से, ठीक है। अब चेंज इन लेंथ निकाल लेते हैं। चेंज इन लेंथ कैसे निकालेंगे, देखिए चेंज इन लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए, है ना, ए पढ़ा था हमने। अब यहां पे ई वेरी कर रहा है ना, तो पहले ई एट एक्स लिख लेते हैं, वो क्या था ई वन प्लस E2 माइनस E1 अपॉन में L इंटू एक्स। ओके, तो यहाँ पे हमने स्मॉल एलिमेंट मान लिया, है ना, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है, dx है, और ये किसी x डिस्टेंस दूर है। लोड तो इस पे P ही लगेगा, है ना, क्योंकि स्ट्रेस सेम है। तो अब इस छोटे से एलिमेंट का चेंज इन लेंथ कितना होगा, चेंज इन लेंथ ऑफ डी एक्स, चेंज इन लेंथ ऑफ एल, डेल्टा एल बोलते हैं ना, अगर टोटल लेंथ एल होती है तो डेल्टा एल बोलते हैं। अगर चेंज इन लेंथ डी एक्स, मतलब डी एक्स में कितना है, डेल्टा में चेंज इन एक्स इज इक्वल टू, लोड तो पी लग रहा है, इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी है, डी एक्स है अपॉन एरिया कितना है, एरिया ए ही है, और E, E है हमारा EX। अब जब छोटे से एलिमेंट का चेंज इन लेंथ ये है तो इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे का पूरा उसका आ जाएगा, जीरो से लेके L तक करेंगे इंटीग्रेशन तो पूरी की पूरी बार का चेंज इन लेंथ आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली हमारा डेल्टा L आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में लोड कॉमन आ जाएगा, मतलब लोड इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा, एरिया बाहर आ जाएगा, अंदर रह गया क्या, डी एक्स अपॉन ई वन प्लस ई टू माइनस ई वन अपॉन एल इंटू एक्स, ठीक है। बस अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और चेंज इन लेंथ आ जाएगा आपके सामने। राइट, निकाल लोगे इसको जीरो से लेके एल तक इंटीग्रेशन। कोई सर इसके पहले वाला जो कोई बार उसको एक्सप्लेन कर देते। देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालनी थी, है ना, यूनी एक्सियल लोड था, सिर्फ सिग्मा एक्स लग रहा है, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड जीरो दे रखे हैं, क्योंकि यूनी एक्सियल का मतलब ही होता है एक डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है। हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालनी है, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, शॉर्टकट मेथड से करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस निकाल लो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अभी अभी हमने देखा था कि तीनों का सम होता है और डिवाइड बाय थ्री होता है ना, तो यूनी एक्सियल है मतलब सिग्मा एक्स है, बाकी दोनों जीरो हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या आ गई, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय थ्री आ गई। अब डायरेक्टली सिग्मा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जो भी है रख दो, बस अब आंसर आ जाएगा इसमें डालते ही, है ना। तो इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस इनटू एप्सिलॉन वी, आपको एप्सिलॉन वी निकालना है, सिग्मा वी डिवाइड बाय के हो जाएगा, सिग्मा वी हो क्या है, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय थ्री के, है ना। और अब हमें पता है यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस में रिलेशन, ई इज इक्वल टू वन माइनस टू न्यू, है ना, तो थ्री के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई अपॉन में वन माइनस टू न्यू, तो ये वैल्यू आप यहाँ रख दो तो आपका आ जाएगा सिग्मा एक्स इंटू वन माइनस टू न्यू अपॉन में थ्री, राइट, ठीक है। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सर वन माइनस टू म्यू भी नीचे है सर। आओ ओके, देखिए सभी में नीचे है, राइट, तो ऐसा ऐसा लग रहा है कि नीचे है, बट
आपका बेस्ट गेस क्या होना चाहिए इसमें? आपका सी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि नीचे ही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा अलग उसको मान रहा हो, है ना, जिसने आंसर जिसने क्वेश्चन बनाया है क्या पता उसने इसको एक एंटिटी माना और दूसरे को एक एंटिटी माना, है ना। तो भले आपको ये नीचे लगे लेकिन आपका बेस्ट गेस होना चाहिए, ठीक है। 50 मिलीमीटर डायमीटर का एक होल करना है एक शीट में, एक ये शीट दे रखी है जिसके अंदर 50 मिलीमीटर डायमीटर का एक होल करना है। हमें बताना है कितनी फोर्स लगेगी वो होल को बनाने के लिए, कितनी फोर्स से इसको पंच किया जाए कि भाई ये होल क्रिएट हो जाए। और यहाँ पे हमें थिकनेस दी हुई है मटेरियल की 1 मिलीमीटर, यहाँ पे पी की वैल्यू 1 मिलीमीटर दे रखी है। और क्या दिया हुआ है, इफ शीयर स्ट्रेस, देखिए पहली बार शीयर स्ट्रेस का नाम आया है, शीयर स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल डज नॉट एक्सीड 100 मेगापास्कल। मतलब मटेरियल की जो शीयर स्ट्रेस है वो 100 से ज्यादा नहीं जा सकती, अगर 100 से ज्यादा स्ट्रेस लगाने की कोशिश की तो मटेरियल टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट कीजिए। अब क्योंकि यहाँ पे शीयर स्ट्रेस की बात कर दी तो आप चले जाओगे हुक्स लॉ पे, शीयर स्ट्रेस वाले हुक्स लॉ पे। शीयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शीयर स्ट्रेन, राइट, ठीक है। तो शीयर स्ट्रेस इज इक्वल टू जी इंटू गामा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें शीयर मॉडुलस दिया ही नहीं हुआ है, राइट, और हमें निकालना क्या है, एक्चुअली फोर्स निकालनी है, ठीक है। तो शीयर स्ट्रेस क्या होगी, क्या हो जाएगी, शीयर स्ट्रेस भी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, है ना। और एरिया लेकिन ये कौन सा होता है, जो कि पैरेलल है ना, ये नॉर्मल एरिया नहीं होता, पैरेलल एरिया होता है जो कि फोर्स के पैरेलल है, वो वाला एरिया लेते हैं। तो हमारा इसी से काम हो जाएगा एक्चुअली, हमें हुक्स लॉ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें जी और स्ट्रेन तो दिया ही नहीं हुआ है, तो हम हुक्स लॉ नहीं लगा सकते, वैसे भी लगाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमारा इसी अकेले फॉर्मूले से काम हो जाएगा कि शीयर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, लेकिन ये एरिया पैरेलल वाला लेते हैं, याद रखना। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो जो भी अप्रोच लगती है पहले लगा दो, भले ही वो लास्ट में जाके लगे कि ठीक है नहीं, तो कुछ और ना कुछ ना कुछ जरूर दिमाग में आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को जरूर आप स्टार्ट कर दी मतलब हमेशा कर देना, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दिमाग में आ जाती हैं कि क्वेश्चन बनने लगता है। तो सिंपल आपको शीयर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लगाना है, फोर्स आपको निकालनी है, शीयर स्ट्रेस आपको दे रखी है, एरिया आपको कैलकुलेट करना है। चलिए इसके ऑप्शंस नहीं है, आप में से ज़्यादातर लोगों का अगर सेम आंसर आया तो वही आंसर मान लेंगे। चलिए कैलकुलेट कीजिए इसको, सभी लोग चैट विंडो में अपना आंसर लिख दीजिए। जब होल पंच नहीं हुआ था तब ये मटेरियल कुछ ऐसे था, पूरा का पूरा फिल था जब होल नहीं था, है ना। तो होल बनाने के लिए हमने जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लगाई होगी, ऊपर से नीचे की तरफ लगाई होगी या फिर नीचे से ऊपर की तरफ लगाई होगी। कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर लगाई होगी इस एरिया के, ये जो एरिया है यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर लगाई होगी हमने फोर्स, और वही फोर्स हमें निकालनी है, ठीक है। तो फोर्स तो ठीक है लेकिन एरिया हमें कौन सा लेना है, ये परपेंडिकुलर एरिया वाला तो नहीं ले सकते क्योंकि शीयर स्ट्रेस के अंदर जो एरिया होता है वो परपेंडिकुलर वाला नहीं लेते, पैरेलल वाला एरिया लेते हैं, है ना। क्योंकि शीयर स्ट्रेस का मतलब यही होता है कि फोर्स अगर पैरेलल लग रही है तभी उसको शीयर स्ट्रेस बोलते हैं, है ना। तो इसलिए ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला तो नहीं लेना। तो जो जिन लोगों ने अगर पाई बाय फोर डी स्क्वायर से काम कर रहे हो तो वो तो गलत हो जाएगा क्योंकि पाई बाय फोर डी स्क्वायर तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इसलिए वो एरिया तो ले ही नहीं सकते। अब यहाँ पे देखिए कि कौन सा एरिया लेना है, ID into T. Okay. हाँ. तो जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो मटेरियल कैसे निकल रहा है, मटेरियल नीचे की तरफ निकल रहा है या फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो ये जो इसका लेटरल सरफेस एरिया है होल का, जो अंदर वाला लेटरल सरफेस एरिया है ना, उसमें फ्रिक्शन लग रहा है ना, उसमें फ्रिक्शन आ रहा है ना, उसके पैरेलल फोर्स लग रही है एक्चुअली, जो लेटरल सरफेस एरिया है उसके पैरेलल फोर्स है, तो इसलिए इसका लेटरल सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे फॉर्मूले में। और ये एक सिलेंडर बन गया, ये जो होल है एक काइंड ऑफ सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πrh, या फिर 2r को डायमीटर लिख लो, पाई डी इंटू एच, यहाँ पे h क्या है, थिकनेस है, तो पाई इंटू डायमीटर इंटू थिकनेस,
ये जो आपका आएगा ये होगा आपका एरिया जो आपको कंसिडर करना है उस फॉर्मूले में। तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन पाई इंटू डायमीटर इंटू टी। तो यहाँ से आप फोर्स निकालिएगा, फोर्स आ जाएगी, फोर्स शियर स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर दो पाई इंटू डायमीटर इंटू टी। यही किया है सभी ने? यस सर यही किया। इसी से आया आपका 16.7? यस सर। ओके वेरी गुड। 15.7 हम मान लेते हैं इसका सही आंसर है, ज्यादातर लोगों का 15.7 किलो न्यूटन आंसर आया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एल्यूमिनियम प्लेट है उसका स्ट्रेस दे रखी है कि कितनी स्ट्रेस लगा रहे हैं उस पर एक्स डायरेक्शन में। आपको शियर मॉडुलस निकालना है और इंड्यूस्ड स्ट्रेंस निकालनी है। आपको यंग्स मॉडुलस इतना लेना है और पॉइजन रेशियो इतनी लेनी है। एक एल्यूमिनियम की प्लेट बना लो, इस प्लेट पे एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस दे रखी है हमको, सिग्मा एक्स की वैल्यू दे रखी है 30 MPa। आपको इसका शियर मॉडुलस निकालना है जी। आपको ई की वैल्यू दे रखी है 68.95 GPa, पॉइजन रेशियो भी दे रखी है 0.28। शियर मॉडुलस निकालना है और इंड्यूस्ड स्ट्रेंस निकालनी है कि स्ट्रेंस कितनी क्या क्या आएंगी इसके अंदर, क्योंकि एक्सियल लोडिंग है तो इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रेन आएंगे, एप्सिलॉन एक्स, पॉइजन रेशियो दे रखे तो एप्सिलॉन वाई भी आएगी, और अगर आप थ्री डायमेंशन में मान लो तो एप्सिलॉन वॉल्यूम भी आएगी अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात की जाए। तो ये तीनों स्ट्रेन आप निकाल सकते हो। सबसे पहले तो जी निकालो, क्या आएगा इसका जी? देखिए अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था, E इज इक्वल टू 2g1+ न्यू। ये रिलेशन होता है यंग्स मॉडुलस और शियर मॉडुलस में, और दूसरा रिलेशन पढ़ा था E इज इक्वल टू 3k1-2 न्यू। तो ये रिलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा देखा गया कि आपके ज़्यादातर टाइम्स आपके पेपर में इन्हीं रिलेशन से क्वेश्चन आया है, तो ये रिलेशन आप ज़रूर याद रखिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको E की वैल्यू दी हुई है, यंग्स मॉडुलस आपको दिया हुआ है, आपको पॉइजन रेशो भी दी हुई है, तो आप बड़े आराम से पहला वाला फॉर्मूला लगा के G निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये जो E दे रखा है 0.88 G की वैल्यू कितनी आई है? चैट विंडो में लिख दीजिए अपना आंसर, 47.88 47.88 आई है किसी की वैल्यू। सभी लोग कैलकुलेट कीजिए, बताइए क्या यही आंसर आ रहा है? ये आंसर तो नहीं है। एल्यूमिनियम के जी की वैल्यू 28 के अराउंड आती है, तो 47 तो नहीं आएगी। हाँ 26.93, हाँ ये आ सकती है 26.93 GPa, ये इसके अराउंड आती है एल्यूमिनियम के। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे इस रिलेशन से तो आपका आराम से जी आ जाएगा। नाइस, ठीक है जी आ जाएगा। अब आपको इंड्यूस्ड स्ट्रेन निकालनी है, एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन वी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एप्सिलॉन जेड भी निकाल ही लो, है ना, मतलब तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सब निकालना है। ट्वेंटी सिक्स पॉइंट नाइन टू GPa सही आंसर है इसका, जो शियर मॉडुलस है। ठीक है, अब आप इसका एक्सियल स्ट्रेन निकाल लीजिए, एप्सिलॉन एक्स। एप्सिलॉन एक्स तो आप बड़े आराम से निकाल लेंगे, क्या हुआ है आपका कैलकुलेट कीजिए, एप्सिलॉन एक्स कितना आएगा? आपको स्ट्रेस दे रखी है, यंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ है, बड़े आराम से एप्सिलॉन एक्स निकल सकता है। हुक्स लॉ लगा दीजिए,
एप्सिलॉन एक्स क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन ई, है ना, और कोई स्ट्रेन लग नहीं रही, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड, है ना, तो इसलिए सिग्मा एक्स अपॉन ई ले लेंगे। क्या आ जाएगा आपका आंसर, कैलकुलेट कीजिए एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू बताइए, 1.11 तो सही नहीं लग रहा है, बहुत कम आनी चाहिए थी स्ट्रेन, 1.11 into 10 to the power minus 3, हाँ ये सही हो सकता है, 1.11 into 10 to the power minus 3, एक बंदा और कैलकुलेट कर लो, सिग्मा एक्स आपको 30 मेगा पास्कल दिया हुआ है और ई आपको दिया हुआ है 68.95। एक्चुअली 1.11 नहीं आना चाहिए आपका आंसर, आपका आंसर 4.35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आना चाहिए, ये भी गलत है, 4.35 इंटू 10, यस सर ये आया सर, हाँ। चलिए अब आपको एप्सिलॉन वाई निकालना है, तो पॉइजन इफेक्ट है ना, माइनस सॉरी हाँ माइनस में ही आएगी, माइनस और अगर आप लेटरल स्ट्रेन कैलकुलेट करोगे वो आपकी आएगी -1.22 इंटू 10 टू द पावर -4, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड तो सेम ही आएगा क्योंकि रेक्टेंगल की बात है ना, तो लेटरल स्ट्रेन कैलकुलेट कर लिया आपने और एप्सिलॉन जेड, यस सर कर लिया सर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालनी है तो तीनों को बस प्लस करना है ना, आपका आंसर आ जाएगा विद साइन भी ले लेना, ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी आपकी आ जाएगी, ठीक है, तो बहुत आसानी से कैलकुलेट आप कर सकते हैं, तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, ये आपका 9वां क्वेश्चन है, आपको एक रिविट दे रखा है जिसने दो प्लेट्स को जोड़ रखा है और टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं 500 kg, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस अगर 625 kg/cm² है तो आपको बताना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए रिविट का, तो रिविट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की बात की हुई है, सो फिर से शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे एरिया कौन सा लेंगे, एक्चुअली एरिया निकालना ही है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें शेयर स्ट्रेस भी दे रखी है, 0.8 ओके 0.8 आया, ठीक है देखते हैं, शेयर स्ट्रेस हमें दे रखी है 625 kg/cm² में रहने देते हैं और फोर्स हमें 500 दे रखी है, एरिया निकालना है, तो एरिया आ जाएगा 500/625, लेकिन एरिया की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, ठीक है, तो 0.8 आपका आंसर सही है लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो एरिया आ गया 0.8 सेंटीमीटर, यस सर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आया, वेरी गुड, चलिए एक्चुअली एक और क्वेश्चन है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो बताइए, कर लें इस एक और क्वेश्चन को, यहाँ पे हमें दो बार दे रखी है, बार ए और बार बी, जिनकी लेंथ दे रखी है लेंथ एल और डायमीटर डी, और दूसरी बार का जो डायमीटर है वो 2D है और लेंथ उसकी थोड़ी कम है 0.5L, दोनों पे सेम स्ट्रेस लगाई है एफ, मतलब सिग्मा की जगह एफ लिख रखा है स्ट्रेस को, हमें बताना क्या है, स्ट्रेन एनर्जी इन ए डिवाइडेड बाय स्ट्रेन एनर्जी इन बी, रेशियो ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इन ए डिवाइडेड बाय स्ट्रेन एनर्जी इन बी क्या आएगी, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला, यहाँ पे एक्सियल स्ट्रेस की बात हो रही है तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, है ना, यहाँ पे एक्सियल स्ट्रेस लेंगे और एक्सियल स्ट्रेन लेंगे, अपॉन हाफ इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस कितना आ रहा है ए में, वो स्ट्रेन कितना आ रहा है वो इंटू वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय हाफ इंटू स्ट्रेस बी में कितना आ रहा है, स्ट्रेन कितना आ रहा है और वॉल्यूम, ठीक है, अब इसको हुक्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा ए अपॉन ई लिख सकते हैं, स्ट्रेन को हुक्स लॉ से सिग्मा अपॉन ई होता है इंटू वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय हाफ इंटू सिग्मा बी अपॉन ई इंटू वॉल्यूम ऑफ बी, अब क्योंकि दोनों में स्ट्रेस सेम है ना,
इसलिए सिग्मा ए और सिग्मा बी सेम दे रखा है हमको, कट जाएगा, हाफ से हाफ भी कैंसिल हो गया, ई ए और ई बी रह गया, दोनों का मटेरियल भी आई थिंक सेम ही है ना, सेम मटेरियल है, तो ई भी कट गया, तो दोनों की जो स्ट्रेन एनर्जी की रेशियो है वो उनकी वॉल्यूम की रेशियो के बराबर है, तो उनकी वॉल्यूम निकाल दो बस, सिलेंडर है दोनों, पाई बाय फोर डी स्क्वायर एल, डायमीटर ए, लेंथ ए, नीचे भी पाई बाय फोर डी स्क्वायर एल, पाई बाय फोर से पाई बाय फोर कैंसिल, डायमीटर कितना है ए का, डी स्क्वायर एल अपॉन बी का डायमीटर डबल है तो फोर डी स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ हाफ है एल बाय टू हो जाएगा, डी स्क्वायर एल से कट गया सब कुछ, फोर से टू चला गया, 0.5 आ गया आंसर आपका, तो रेशो क्या है, डी, ठीक है।